तो अब हमें पढ़ना है फोटोवोल्टिक इफेक्ट, सोलर सेल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल्स, वर्किंग ऑफ सोलर सेल, एप्लीकेशन ऑफ सोलर सेल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोलर सेल. फोटोवोल्टिक इफेक्ट समझ लेते हैं. तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या है? 1839 में बेकवेल साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया. इन्होंने क्या किया कि अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स को, अगर हम पेयर ले रहे हैं इलेक्ट्रोड्स का और उसको इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप कर रहे हैं, और डिप करने के बाद एक इलेक्ट्रोलाइट पे हम लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और इस फिनोमिना को हम फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं. द क्रिएशन ऑफ वोल्टेज इन अ मटेरियल अपॉन द एक्सपोजर ऑफ ईएम रेडिएशन इज नोन एज फोटोवोल्टिक इफेक्ट. और नॉर्मली जो ये क्रिएशन है हम किस में कराते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब हम दो अलग अलग तरीके के वो ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यानी कि सेमीकंडक्टर्स. तो अगर हम सेमीकंडक्टर्स लें और सेमीकंडक्टर्स में एक साइड हम पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाए और एक तरफ हमारे नेगेटिव चार्ज कैरियर इकट्ठे हो जाए, और दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ लाइट, या कह दीजिए सनलाइट जो उस पर इंसिडेंट हो रही है उसकी वजह से, तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट हो जाएगा. तो क्वेश्चन क्या बनाएगा? क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज फोटोवोल्टिक इफेक्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक सेल. तो पहले फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है वो लिखेंगे, फिर फोटोवोल्टिक सेल का डायग्राम बना के फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, क्योंकि जो सोलर सेल्स हैं एक्चुअल में वो फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करते हैं, या कह लीजिए वो फोटोवोल्टिक सेल ही होते हैं. ठीक है, जो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, और सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, ऑप्टिकल एनर्जी को यानी सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई. तो पहले क्वेश्चन लिखिए फोटोवोल्टिक इफेक्ट का, उसके बाद इसका हम आंसर लिखते हैं. चलिए, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट की. तो क्या है फोटोवोल्टिक इफेक्ट? इन द ईयर 1839 बेकवेल डिस्कवर्ड व्हेन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज डिप्ड इनटू अ इलेक्ट्रोलाइट एंड द लाइट इज अलाउड टू इंसिडेंट ऑन वन इलेक्ट्रोड, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन दीज इलेक्ट्रोड, दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटोवोल्टिक इफेक्ट. यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोड लाइट्स लिया है. नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए. तो क्या करते हैं, मेटल ले लेते हैं, कॉपर की, कॉपर की मेटल के ऊपर हम सेमीकंडक्टर डिपॉजिट कर देते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड, उस क्यूप्रस ऑक्साइड के ऊपर हम एजी सिल्वर की एक फिल्म बना देते हैं. तो अब कॉपर और सिल्वर दोनों अपोजिट कैटेगरी के एलिमेंट्स हो गए, बीच में सेमीकंडक्टर हमारा यूज हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड. अब अगर हम लाइट फॉल कराते हैं एजी के ऊपर, तो वो लाइट इतनी थिन फिल्म रखते हैं कि लाइट जो है ट्रांसमिट होके क्यूप्रस ऑक्साइड पे पहुंच जाए. तो क्यूप्रस ऑक्साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेंगे. तो इलेक्ट्रॉन एजी की तरफ मूव कर जाएंगे और होल्स जो है कॉपर की तरफ मूव कर जाएंगे. तो क्या होगा, कॉपर में तो होल्स की मैक्सिमम अधिकता हो जाएगी और एजी में सिल्वर में नेगेटिव इकट्ठे हो जाएंगे. तो एजी और कॉपर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उसकी वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम फोटो करंट्स बोलते हैं. और फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंसिडेंट लाइट के, कितनी लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं, कितना एक्सपोजर करा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी. साथ में डोपिंग पे भी डिपेंड करता है कि सेमीकंडक्टर हम कैसा यूज कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट. तो ये देखिए कंस्ट्रक्शन के लिए एक एनिमेशन भी दिखा रखा है. यहाँ पे क्या दिखा रखा है, नीचे ये कॉपर है, कॉपर के ऊपर जो है यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड है और उसके ऊपर एजी है. जब हम इस पे सनलाइट फॉल कराते हैं तो क्या होता है, होल्स तो जो है कॉपर की साइड मूव करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करने लगते हैं एजी की साइड. तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और करंट फ्लो हो जाता है. तो करंट की ये डायरेक्शन भी दिखा रखी है कि किस साइड मूव होगा. तो इसकी कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं. तो मैंने बना रखा है यहाँ पे, क्या फोटोवोल्टिक सेल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट, दिस इज शोन इन फिगर. इट कंसिस्ट कॉपर, ये नीचे बना रखा है कॉपर है, कोटेड विद थिन लेयर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, उसके ऊपर क्यूप्रस ऑक्साइड है और उसके ऊपर एक थिन फिल्म डिपॉजिट है एजी की, ठीक है, सिल्वर की. तो सिल्वर इतना थिन होता है कि लाइट जो है, जो भी लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है, वो क्यूप्रस ऑक्साइड तक पहुंच जाए, क्योंकि क्यूप्रस ऑक्साइड में ही इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेशन होगा.
तो जब यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन होल का जनरेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एजी की तरफ मूव कर जाएंगे और होल्स कॉपर की तरफ मूव कर जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट ऐसे फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ गैलोमीटर दिखा रखा है कि डिफ्लेक्शन आएगा। अब ये करंट किस पे डिपेंड करेगा? इंसिडेंट रेडिएशन पे, कितनी लाइट इंसिडेंट की जा रही है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। साथ में कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि जो क्यूप्रस ऑक्साइड है वहां पे किस तरीके का सेमीकंडक्टर है, कितनी डोपिंग हो रखी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जनरेट हो सकते हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये कंस्ट्रक्शन लिखिए और ये डायग्राम बनाइए कंस्ट्रक्शन में। मैम डायग्राम में सबसे पहला मैम येलो में क्या लिखा है? येलो में एजी लिखा है ना, तो मैंने इसे लाइट कलर से बनाया था क्योंकि सिल्वर था, तो आप एक ही कलर से बना लेना। ठीक है, ऊपर एजी है सिल्वर, नीचे क्यूप्रस ऑक्साइड है Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड, और नीचे है कॉपर, मेटल लेयर है कॉपर की। कि कंस्ट्रक्शन अगर लैंग्वेज अगर कुछ मिस हो गई तो यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखी है। व्हेन अ सनलाइट फॉल ऑन अ ट्रांसपेरेंट सिल्वर फिल्म इट पासिस थ्रू इट एंड रीचेज द कॉपरस ऑक्साइड सिल्वर सेमीकंडक्टर लेयर। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन टेक प्लेस एट दिस लेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर क्रिएटेड। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम दिस लेयर मूव टूवर्ड्स द सिल्वर फिल्म एंड कलेक्टेड देयर। तो द सिल्वर फिल्म बिकम निगेटिवली चार्ज एंड कॉपर प्लेट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। एज अ रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन एजी एंड कॉपर प्लेट। नाउ कन्वेंशनल करंट फ्लो इन अ सर्किट एज शोन बाय एरो। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन दिस वे द सेल सप्लाई करंट विदाउट एनी एक्सटर्नल बैटरी। बिना एक्सटर्नल बैटरी के हम क्या कर रहे हैं? करंट फ्लो करा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोलर सेल से रिलेटेड है, तो कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आंसर तो यही है। व्हाट इज सोलर सेल? डिस्कस इन डिटेल देयर कंस्ट्रक्शन, वर्किंग करेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। ये डिस्क्राइब सोलर सेल एंड ड्रॉ इट्स करेक्टरिस्टिक्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सोलर सेल्स क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जंक्शन डिवाइस है, जो कि यूज होती है ऑप्टिकल रेडिएशन यानी सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। और क्या होता है? इलेक्ट्रिक वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है? अभी हमने बात की थी कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो जनरेट हो रही है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे? अ सोलर सेल या फोटोवोल्टिक सेल इज डिफाइंड, या ये पीएन जंक्शन डिवाइस है, एज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टिक इफेक्ट। तो फोटोवोल्टिक इफेक्ट को यूज करते हुए ऑप्टिकल रेडिएशन यानी सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये डेफिनेशन जो सामने लिखी है ये डेफिनेशन लिख सकते हैं आप पहले, है ना, सोलर सेल में, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं। ठीक है, अब है डिजाइन रिक्वायरमेंट ऑफ सोलर सेल। ये लिखना नहीं है, बस इसको समझ लीजिए कि क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे सोलर सेल। ठीक है, एक तो जो हम कोटेड कर रहे हैं एरिया, कितने एरिया को हमें कोटेड करना है, किससे हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, तो वो इस तरीके से कोटेड हो अप्रोप्रिएट मटेरियल्स की रिफ्लेक्शन ना हो जाए कि लाइट इंसिडेंट हो रही है और वो रिफ्लेक्ट होने लगे, है ना। तो रिफ्लेक्शन इस तरीके की कोटिंग होनी चाहिए कि रिफ्लेक्शन ना हो, और सरफेस पे ही इतनी पतली भी कोटिंग नहीं होनी चाहिए कि वो सरफेस पे ही रिकम्बाइन हो जाए इलेक्ट्रॉन और होल्स, वो दूसरी लेयर तक पहुंचे ही नहीं। तो इस तरीके की कोटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर अगर हम लार्ज फोटोवोल्टेज चाह रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हैवी डोपिंग रिक्वायर्ड है। अगर हम जितनी ज्यादा फोटोवोल्टेज चाहते हैं तो उतनी ज्यादा, यानी कि जो हम सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं वो हाई डोपिंग का सेमीकंडक्टर यूज करना चाहिए। बट इतनी ज्यादा डोपिंग भी नहीं हो जानी चाहिए कि उसका लाइफ टाइम रिड्यूस हो जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सोलर पैनल हम हर महीने चेंज करेंगे, है ना। तो हाई डोपिंग भी चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा डोपिंग भी नहीं चाहिए। अब हाई डोपिंग में ऐसा ना हो जाए कि हमने ऐसी डिवाइस बना दी जिसका लाइफ टाइम ही 1 महीने या 15 दिन रह जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस शुड बी वेरी स्मॉल। तो क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो पावर जो है लॉस्ट हो जाएगी ड्यू टू ओमिक लॉसेस की वजह से। और कॉन्टेक्ट्स जो बनाते हैं यहाँ पे, जो हम डायोड जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करते हैं उसका जो डिजाइन है कॉन्टेक्ट्स का, वो भी ठीक तरीके से बनाना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है
जो अभी हम फिगर बनाएंगे, फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल, जिसके अंदर क्या है, सेल इज अ पीएन जंक्शन डायोड होता है जो कि अप्रोप्रिएटली डोप्ड होता है और कोई डायरेक्ट वोल्टेज हम जंक्शन को अप्लाई नहीं करते हैं. टॉप लेयर जो हमने बनाएंगे पी टाइप लेयर बनाएंगे जो कि थिन है, लाइट रेडिएशन पेनिट्रेट कर देगा उस पी लेयर को. डोपिंग लेवल ऑफ पी लेयर सेमीकंडक्टर इज वेरी हाई. एवरी एफर्ट इज मेड टू इंश्योर दैट सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू सन इज मैक्सिमम, सन की तरफ मैक्सिमम हमारा एरिया कवर होना चाहिए. पी टाइप मटेरियल इज सराउंडेड बाय निकल प्लेट रिंग विच सर्व एज ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. मेटेलिक कॉन्टेक्ट ऑफ अ बॉटम ऑफ अ एन टाइप मटेरियल एक्ट एज ए नेगेटिव टर्मिनल. तो एक साइड पॉजिटिव टर्मिनल बना लेंगे, एक साइड नेगेटिव टर्मिनल बना लेंगे और सोलर सेल क्या करेगा, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. तो अब इसकी फिगर बनाते हैं. फिगर कैसे बनाएंगे, तो इसका ये जो साइड है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह हमारा बिहेव करेगा. अब नीचे और इसी के अकॉर्डिंग हम वर्किंग लिख देंगे. तो इसको पूरा ब्लैक कर लेना है ना, ये यहाँ पे हो नहीं पाएगा. आपके पास पेंसिल होगी तो पेंसिल से अच्छे से शेड हो जाएगा. राइट, नेगेटिव टर्मिनल. ये लाइट इंसिडेंट हुआ तो नीचे तक पहुंच जाएगा, इंसिडेंट सनलाइट. ये ऊपर ग्लास रखा है यहाँ पे. फिर यहाँ पे जंक्शन बनना है पी और एन के बीच में. तो ये ऊपर पी है, यहाँ पे एन है, ये बीच में रखना. और ये बीच में यहाँ पे जंक्शन है इसका. ये जो नीचे वाली सरफेस है ये मेटेलिक कॉन्टेक्ट है, ठीक है. और इसको हम सिंबल वाइज जैसे हम डायोड्स वगैरह के सिंबल बनाते हैं, सिंबल में हम इसको इस तरीके से बनाते हैं. ये इसका सिंबल है. अगर हमें कहीं सोलर सेल दिखाना है तो हम ऐसे भी दिखा देते हैं. वर्किंग ऑफ सोलर सेल, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ पीएन जंक्शन इट इज इजीली एंटर्ड द जंक्शन टू क्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर. द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द डिप्लीशन रीजन कैन क्विकली कम टू एन टाइप. तो एन साइड में तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और पी साइड में जो है होल्स चले जाते हैं. वंस द न्यूली क्रिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम टू एन साइड इट कैन नॉट फर्दर क्रॉस द जंक्शन. तो एक बार जब वो एन साइड में आ जाएंगे तो वापस जंक्शन की साइड नहीं जा सकते. ऐसे ही पी टाइप साइड में जो होल्स आ जाते हैं तो वो वापस क्रॉस करके एन साइड नहीं जा सकते. तो जब लाइट फॉल हो रही है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड मूव हो जा रहे हैं, होल्स जो है पी साइड मूव हो जा रहे हैं और फर्दर वो आपस में दोबारा से क्रॉस नहीं कर सकते जंक्शन को. एज अ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम हायर इन वन साइड दैट इज एन साइड. अब क्या होगा, एक साइड कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ने लगेगी और एक साइड पी टाइप साइड में जो है होल्स की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी. एज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम हायर इन वन साइड दैट इज साइड ऑफ द जंक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल बिकम मोर इन अनदर साइड दैट इज पी साइड ऑफ जंक्शन द पीएन जंक्शन विल बिहेव लाइक अ स्मॉल बैटरी सेल. तो एक तरीके से सेल हो जाएगा, एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, जिसकी वजह से फोटो करंट जो है या फोटो वोल्टेज सेट हो जाएगी और फोटो करंट मूव होने लगेगा. अब वोल्टेज इज सेट विच इज नोन एज अ फोटो वोल्टेज. इफ वी कनेक्ट अ स्मॉल लोड अक्रॉस द जंक्शन देयर विल बी टाइनी करंट फ्लोइंग थ्रू इट. अगर हम सर्किट कंप्लीट कर देंगे तो अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं, पॉल्यूशन फ्री है ये, है ना, कोई पॉल्यूशन नहीं करता है. जो है लाइट एनर्जी आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है तो कोई पॉल्यूशन नहीं बना रहा. फिर सोलर सेल जो है सेल्फ जनरेटिंग डिवाइस होती है, इसको कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स की तो जरूरत नहीं होती है. इंटरनल ईएमएफ और करंट जनरेटिंग सोलर सेल इज इनफ विच कैन बी मेजर बाय गैलोमीटर. द सोलर सेल कैन बी ऑपरेटेड सेटिस्फेक्ट्री ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए ये काम करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर में. मेंटेनेंस कॉस्ट जो है
ये नो मेंटेनेंस कॉस्ट सिंपली यूज्ड एज अ सोलर पावर सोर्स ऑफ पावर फॉर मैनी सैटेलाइट्स में भी सोलर पैनल यूज करते हैं, है ना। तो ये डीजीजीएस का लिमिटेशन हो सकती है कि ये सारे रेडिएशन को, सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता, एफिशिएंसी इसकी लो है। तो अगर हम 10% सिलिकॉन सेल यूज करें 10% एफिशिएंसी का, अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर इलेक्ट्रिकल पावर वो जनरेट करता है। फिर एफिशिएंसी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वर्क तो करता है टेम्परेचर चेंज होने पर, बट फिर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट एफिशिएंसी है। और सेल्स बनाते हैं सिलिकन के, हम सेल्स बनाते हैं, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। और सोलर सेल इफेक्टिव है आउटर स्पेस में, लेकिन वही है कि किस तरीके से हमने रखा है वहाँ पे आउटर स्पेस में, उस पर भी डिपेंड करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा है, नो पॉल्यूशन एसोसिएटेड विद इट, इट मस्ट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, नो मेंटेनेंस कॉस्ट। डिसएडवांटेज है यहाँ पे इट के ज़्यादा पैसे होते हैं, है ना, खर्चा होता है लगाने में, ज़्यादा खर्चा होता है। इट हैज़ लो एफिशिएंसी ड्यूरिंग क्लाउडी डे, अगर क्लाउडी डे है तो मुश्किल हो जाता है कन्वर्ट करना है, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिलती बिल्कुल। एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस ऑल्सो एट नाइट, वी कैन नॉट गेट सोलर एनर्जी, तो रात में हम सोलर एनर्जी नहीं ले सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, एप्लीकेशंस हैं बैटरी को चार्ज करने में, पावर सप्लाई फॉर कैलकुलेटर, सोलर सेल्स आर यूज्ड। हाँ, तीन पॉइंट तो दोनों के लिखने ही है, तीन तीन पॉइंट एप्लीकेशन बता रही हूँ मैं, क्या कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट में यूज कर सकते हैं, फिर सोलर कार्स बनाने की बात हो रही है, सोलर कार्स यूज कर सकते हैं, वाटर पंप हो गया, होम लाइटनिंग हो गई, वहां पे भी सोलर पैनल यूज कर सकते हैं। स्पेस सैटेलाइट में तो होता है यूज, है ना। ऑन और ऑफ के स्विचेस बनाने में, रिले करने में, रिले जो रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस रिले होते हैं ऑन ऑफ ऑपरेशन के लिए, वहां पे सोलर हम डिवाइस यूज कर सकते हैं, बैटरी चार्ज करने में कर सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए कमेंट। थैंक यू।